नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। 20-25 लाख के रेंज में अगर बेहतरीन 5 सीटर SUVs की बात करें तो महिंद्रा XUV700 और टाटा हैरियर दो गाड़ियों का नाम टॉप पर आता है। इन दोनों ही SUVs में आपको प्राइस के हिसाब से सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है। हालांकि XUV के नए फीचर्स लोगों को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहीं हैरियर के लुक का भी कोई तोड़ नहीं है। ओवरऑल दोनों ही गाड़ियां अपने अपने जगह पर अच्छी हैं। हालांकि एक प्लस पॉइंट XUV को और मिल जाता है कि उसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग से स्कोर किए हैं, और वहीं हैरियर का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इस गाड़ी के ऐसे कई एक्सीडेंट सामने आते रहते हैं जिससे हम इसके काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं, और ये चीज आज के इस एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा जो तेलंगाना से मिस्टर वेंकट साई जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले तेलंगाना में ही किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट हाईवे 563 पर टाटा हैरियर और एक लॉरी आमने सामने से आ रही थी, तभी दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यहाँ पर भी वही लग रहा तेज रफ्तार और ओवरटेक का चक्कर, हालांकि गलती एग्जैक्टली किसकी थी वो नहीं पता चल पाया। खैर टक्कर बहुत ही भयानक था, हैरियर जैसे मस्कुलर SUV का इसमें बुरा हाल हो गया। फोटोज में आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा इसका राइट साइड फ्रंट बी पिलर तक पूरी तरह खत्म हो चुका है और रूफ भी मुड़कर पीछे तक चला गया है। अंदर बैठे पैसेंजर्स की बात करें तो एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे और उनको थोड़ी ज्यादा चोटें आ गईं। 1 लोगों का पैर फ्रैक्चर हो गया और 2 लोगों का हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पर जो भी हुआ वो तेज रफ्तार की वजह से हुआ है, जो साफ देखा भी जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पैसेंजर्स की जान बच गई, लेकिन फिर भी गाड़ी चाहे जो हो उसे जब तक आप लिमिटेड स्पीड में नहीं चलाएंगे तब तक सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।